मुंबई के 26/11 हमले की बरसी पर इंदौर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लिंबोदी क्षेत्र में रहवासियों ने कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए खास रिपोर्ट। 26 नवंबर 2008 को लश्करे तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। इस आतंकी हमले को 11 साल हो गए हैं, लेकिन यह भारत के इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई भूल नहीं सकता। आतंकी हमले की बरसी पर इंदौर के लिंबोदी क्षेत्र के फेज 3 में लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मुंबई हमले को याद करके आज भी लोगों का दिल दहल उठता है। रहवासी संघ के अध्यक्ष देवेंद्र वर्मा ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। 26/11/2008 को मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उस आतंकवादी हमले में जो हमारे वीर जवान शहीद हुए थे, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम रहवासी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उन वीर जवानों को हमने श्रद्धांजलि दी है। उन्हीं वीर जवानों को हम याद करके आज हमने श्रद्धांजलि दी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को उस चीज़ों से लड़ने की शक्ति प्रदान करे। हमारी सुरक्षा के लिए जिन जवानों ने अपनी आहुति दी, उनको और उनके परिवार को याद करने के लिए श्रद्धांजलि सभा रखी है। उसके उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनके हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके परिवार के लिए हमने संदेश दिया है कि पूरा देश उनके साथ है। आज भी इस हमले का असली मास्टरमाइंड पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है। इस हमले ने भारत के हर नागरिक को ऐसा जख्म दिया जो शायद ही कभी भर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।